मैंने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था कि व्लॉग्स के लिए तीन चीज़ों का होना लाजमी है, लेकिन उसमें मैंने इक्विपमेंट का जिक्र नहीं किया था। हालांकि इक्विपमेंट में एक ज़रूरी चीज़ है, अगर वो सारी इंटरनल चीज़ें थी और ये एक्सटर्नल फैक्टर है आपके व्लॉग्स में। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि यार अगर तुम्हारे पास कॉन्टेंट है तो इक्विपमेंट के पीछे मत भागो। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन कुछ ना कुछ इक्विपमेंट का होना लाजमी है जो कि नेसेसरी है, जो कि बुनियादी चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ माइक है। लोग आपकी वीडियो में सबसे पहले ऑडियो नोट करते हैं। अगर आपकी वीडियो में ऑडियो ठीक नहीं आ रही तो लोग एक क्लिक करके आगे निकल जाएंगे, समझो लाहत मार देंगे। इसलिए जब मैंने भी व्लॉग बनाने का सोचा तो फिर मैंने माइक की तलाश शुरू की, इंटरनेट पर सर्च किया, बाज़ारों में खौरी की, दोस्तों से पूछा, फिर यूट्यूब चैनल्स देखे जहाँ पर सब लोगों ने एक माइक रिकमेंड किया हुआ था, बोया BY MM1। और फिर जब मैंने उसके फीचर्स देखे तो वाकई काफ़ी अच्छा था, और फिर मैं बोया BY MM1 ले आया। ट्राईपॉड भी हो गया UFO, जो आपको बहुत मदद देता है क्योंकि फ्लेक्सिबल बहुत होता है। तो अब ये ट्राईपॉड और माइक का कॉम्बिनेशन है जिससे मैं अपने व्लॉग्स बना रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत सिनेमेटोग्राफी जानता हूँ तो लाइट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अभी तो मैं जो घर की फ्लैट लाइट्स हैं या फिर जो विंडो से नेचुरल लाइट्स आती है उसी पर डिपेंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक रिंग लाइट ख़रीद लूँ ताकि जो लाइट्स हैं मेरे व्लॉग्स में वो अच्छी रहे, क्योंकि फिर ये एडिटिंग करते वक्त कलर ग्रेडिंग के लिए भी काम आती है। माइक, ट्राईपॉड और लाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको इग्नोर मत करें। आपकी वीडियो को अच्छा बनाती हैं, लेकिन कंटेंट, ऑब्वियसली कंटेंट उससे भी बड़ी चीज़ है। कंटेंट तो आपके पास होना चाहिए, जो मैंने कहा था स्टोरी टेलिंग का होना लाजमी है। जिस तरह बंदा अपग्रेड होता जाता है, अपडेट होता जाता है, तो फिर वो अपने इक्विपमेंट्स में भी इजाफा करता है, फिर उसकी वीडियो में निखार आना शुरू होता है। अब अपने कॉन्टेंट के ज़रिए निखार लाता है और उस कॉन्टेंट के और जो कॉन्टेंट में भी निखार आता है ना, एक तो एडिटिंग का काम तो अलग है, एडिटिंग आपकी वीडियो का नक्शा तब्दील कर देती है, लेकिन एडिटिंग के अलावा जो इक्विपमेंट के ज़रिए, लाइक आपने किसी भी बड़े चैनल्स को उठा के देख लें, वो गिम्बल यूज़ करते हैं, सोनी यूज़ करते हैं, तो इंसानी फितरत है उसे अच्छी चीज़ पसंद आती है। लेकिन मुझे ऐसे छोटे यूट्यूबर्स जिन्होंने अभी मोबाइल से शुरू किया, एक मोबाइल, एक माइक, एक ट्राईपॉड, वो इसी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जो आज बड़े नाम बने हैं वो भी इन्हीं छोटी चीज़ों से शुरू हुए थे और आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। तो ये सारा इक्विपमेंट का गेम है। इक्विपमेंट अपने पास जितना हो सके अपग्रेड करते रहो, आपकी वीडियो में निखार आता रहेगा।